देखो, आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा शहर के ऊपर। तो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इस साइड के ऊपर, जो आपको दिखाए थे घर तकरीबन 17-17 मरले के, तो अभी फिनिश हो रहे हैं। इनके अंदर कुछ टाइल का काम हो रहा है। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की एक बड़ी मिस्टेक। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी स्टेयर है जो पहले तैयार हो चुकी थी। अभी इसका लेंटर भी नहीं पड़ा था छत का, तो वो स्टेयर रेडी हो गई थी। वो स्टेयर का मार्जिन था, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से पीछे पीछे ये स्टेयर थी, ये इसका कह लें कि टॉप थी ये, और ये इसकी टक्कर थी। ये अब कुछ हुआ इस तरह से है कि अब जब टाइल लगाई है, डिसाइड हुआ है, तो हमने एक स्टेप और जी पीछे लेना है अपनी उस दीवार से, तकरीबन 1-2 इंच रख के पीछे। आगे तो हमने अपना एक स्टेप लेना है। तो जब स्टेप एक लिया है, तो सारी जो हमारी स्टेयर है, सीढ़ी कह लें, अब दोबारा इसके ऊपर कंक्रीट, टाइल, जो भी काम होगा, ये आपके सामने देख रहे होंगे। यहाँ पर ईंटों के रद्दे लगे हैं, यहाँ पर भी, और किसी जगह पर टाइल का मार्जिन आया है, तो किसी जगह पर हमने बंद वार लगाया है, तो जैसे जैसे, और किसी जगह पर जाकर फिर जी कंक्रीट की आगे सारी सीढ़ी तैयार हुई है। यानी कि आप कह लें कि ये जो हमारी स्टेयर है, ये अब दोबारा बनी है। अगर पहले ही हम इस स्टेयर के ऊपर प्रॉपर वर्क करते, तो हमें ये जो प्रॉब्लम थी, ये फेस नहीं करनी पड़नी थी। ठीक है, तो ये इसके लिए जो बेहतरीन तरीकाकार होता है, जब आपने स्टेयर अपनी तैयार करनी हो, तो चाहे आपने अभी प्लास्टर किया या नहीं किया, अगर आपने पॉइंट बना लिया कि हमने इस एरिया में स्टेयर तैयार करनी है, तो आपको चाहिए कि अपनी मार्किंग करें दीवार के साथ साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी स्टेयर कैसे और किस जगह तक जाकर एंड होगी। तो अब ये आप देख रहे हैं, तकरीबन 9 से 10 इंच की ये हमारी स्टेयर जो है वो बन चुकी है, मोटी हो जाएगी। अगर यही होता तो ये हमारा जो मार्जिन था, ये हमारे बात के अंदर ऐड हो जाना था। यानी कि ये जो टॉप आ रही है, ये बिल्कुल ना होने के बराबर होनी थी, और ये भी जगह हमारे बात के अंदर इंटर हो जाती। कोई नहीं, बात के अंदर का मसला नहीं, लेकिन जो हमारा टाइम ज़ाया हुआ, यानी कि हमारा नहीं, जिसने भी किए उसका एक तो टाइम ज़ाया हुआ इस स्टेयर को तैयार करने में पहले, और अब दोबारा से मटेरियल का खर्चा, और फिर से टाइम ज़ाया हुआ, तो ये नहीं होना था। अगर पहले ही प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल किया होता, तो अभी मैं चलता हूँ आपको दूसरे घरों के अंदर भी सीढ़ियों की तरतीब दिखाता हूँ। तो अभी मैं मौजूद हूँ इस दूसरे घर के अंदर। तो यहाँ पर अभी टाइल का काम जो है वो हो रहा है, तो ये रात को ही तकरीबन 1-2 दिन पहले लगी होगी टाइल। तो अब यहाँ पर आप देख लें सीढ़ी का मार्जिन, देखें यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच का आगे, 1.5 इंच तक कंक्रीट हुई है, उसके आगे भी ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए हैं, ये सारे स्टेप दोबारा तैयार होते गए सारे। ये घर नंबर 3 है, तो यहाँ पर आपको वादा नज़र आ रहा होगा सीढ़ी के ऊपर दोबारा मेहनत होते हुए, कितने कितने चौड़े और मोटे स्टेप बन गए, तकरीबन 1-1.25 फुट के रेंज के अंदर ये स्टेप तैयार हो रहे हैं। तो ये मेहनत हमारी हमारी नहीं कह रही, ये उस कारीगर की मेहनत है। तो मेहनत तो उसको भी नहीं लगी जिस बंदे ने की है, असल में ये खर्चा जो हुआ है ये मालक का हुआ है। तो मालक की डबल कॉस्ट वो ज़ाया हो रही है, कंक्रीट भी ज़ाया हो रही है, ईंटें भी ज़ाया हो रही हैं, साथ में उसने लेबर भी देनी, वो भी ज़ाया हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रॉपर किसी अच्छी कारीगर से पहले ही स्टेयर को अपना जो है वो तैयार करवाएं, दीवार के साथ मार्किंग करवाएं, तो उसके बाद अपनी स्टेयर को रेडी करवाएं। तो ये अगर प्रॉपर पहले किया होता, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़नी थी। सीढ़ी की जो स्लैब होती है, यानी कि जो नीचे अब बनी है, तो वो सिर्फ यहाँ पर आनी थी। यहाँ से 3 इंच की हमारी प्रॉपर स्लैब चलती, वो ऊपर तक जानी थी। यानी कि ये जो जगह वेस्ट हो रही है, ये भी बच जानी थी और पैसे भी बच जाने थे। अब दोनों और तीनों चीज़ें डबल हो रही हैं इस जगह पे। तो इसी तरह से मैं अब चल रहा हूँ साथ वाले घर, यानी कि लास्ट जो घर है, तो उसके अंदर आपको दिखाता हूँ स्टेयर के ऊपर जो मार्किंग वगैरह या जो भी सीन होता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर चीज़ें आपको मैं बिल्डिंग को तैयार करते हुए, या अभी जब आपने कहने की चिनाइयों का काम हो रहा होता है, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देख कर करवानी होती है, ताकि
बाद में आपको किसी स्टेयर के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो कोशिश किया करें कि जब भी आपने अपना काम जो है वो करवाना हो तो अच्छे कारीगर से किसी से मशवरा ले लें, कोई हर्ज नहीं, तो आप प्रॉपर तरीके से करवाएं ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ बात की है स्टेयर की इस मिस्टेक के ऊपर कि आपको दोबारा से स्टेप तैयार करने पड़े, दोबारा से मेहनत करनी पड़ी है और जो मालिक के पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो भी फ्री में जा रहे हैं। तो इससे बचें, अपने काम को अच्छे तरीके से करवाएं ताकि टाइम थोड़ा लग जाए, लेकिन चाहे काम थोड़ा हो लेकिन किसी अच्छी कारीगर से करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।